बस्तियां लाने के लिए, तब किसी जगह आप छुपे हुए थे। पूरी रात आपको नींद नहीं आई, 2 बजे तक इधर उधर करवटें बदलते रहे, बाहर गैलरी में आके घूमे तब भी नींद नहीं आई, सोचा टीवी ऑन कर लूं, और जैसे ही आपने टीवी ऑन किया इनके नीचे पैरों की धरती खिसक गई। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, शेर सिंह राणा के पिता का निधन। सोचो क्या गुजरी होगी उस बेटे के ऊपर जिनके पिताजी का शाम को निधन हो गया। 2:30 बजे तक आपको सूचना नहीं लगी, आपने कहीं फोन किया पड़ोस में, माँ को बुलाया विश्वास सूत्रों के द्वारा, माँ से कहा कि माँ मैं आऊंगा पिता को मुखाग्नि देने के लिए। उस माँ को इसलिए नमन करने को जी चाहता है, माँ ने कहा बेटा तू मत आना। तो इन्होंने कहा कि माँ मैं बड़ा पुत्र हूं, पिता को मुखाग्नि मुझे ही देनी होगी, मैं मुखाग्नि देने के लिए आऊंगा। तब माँ ने जो शब्द कहे वो यदि अगर हर माँ कह दे तो फिर शेर सिंह राणा मिल जाए। आपकी माँ ने कहा कि बेटा जब दशरथ जी महाराज का देवलोक गमन हुआ था तब भगवान श्री राम जो कि उनके बड़े पुत्र थे उन्होंने भी मुखाग्नि नहीं दी थी, मुखाग्नि उनके छोटे भाई भरत जी ने दी थी। तू बड़ा पुत्र है लेकिन तू आना मत, मुखाग्नि तेरे छोटे भाई दे देंगे। ऐसी माँ उनको नमन करने को बारंबार जी चाहता है। आप ऐसे राष्ट्रवादी सपूत, जब संसद पर हमला हुआ इस हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के तमाम जो लोकतांत्रिक नेता है, लोकतंत्र को हिला के रख दिया उस संसद के हमले ने, और जिन संसद हमले के आरोपियों को जब वो तिहाड़ जेल में आई तब आपने मार मार के ठोक ठोक के उनको कि तुम हिंदुस्तान के गद्दार हो, तुम हिंदुस्तान के विरोधी हो, मैं राष्ट्रवादी हूं, उनको मारा ठोका और उनको खुद को ये कहना पड़ा कोर्ट में जाके कि वहां से हमें बचाइए। ऐसे राष्ट्रवादी पुरुष आज हमारे बीच में आए हैं। मैं कोई भी यदि अगर सातों सागरों को के पानी को शाही बनाए, पूरे इस दुनिया के पेड़ों को लेखनी बनाए तो भी आपके बारे में कम होगा कहना। बस सिर्फ यही कहूंगा कि आप वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए, आप तो वो हैं जो वक्त का सांचा ही बदल गए। शेर सिंह जी राणा का जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करते हुए।